आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? Well, मैं आज अपने स्पेशल मेरी माँ की रेसिपी है मेथी पनीर जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी माँ खासकर जब बहुत खास डिनर्स होते हैं तो उसमें जरूर बनाती है, तो आज वही आप लोगों को सिखाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मतलब मुझे जो लग रहा है इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, तो क्या क्या है? ये सबसे सिंपल रेसिपी है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। हमने कसूरी मेथी जो मिलती है, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, प्याज, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, एक कटोरी दूध या आधा ग्लास दूध और पनीर कटा हुआ, चाहे आप इसको घर में बनाएं या बाहर से लाएं। गार्निश के लिए हरा धनिया। अब आप इस डिश को आप चाहे तो घी में बना सकते हैं या ऑलिव ऑयल में। मैं ऑलिव ऑयल में बना रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कढ़ाई को गर्म करते हैं। अब इसके अंदर हम ये ऑयल डाल रहे हैं। ये तकरीबन मुझे लगता है 2 चम्मच। हाँ, 2 चम्मच, मैं कम डालना ही प्रेफर करता हूँ। हमारा ऑयल अब गर्म हो गया है। अब इसमें ये चॉप अनियन है वो मैं डाल रहा हूँ। अनियन को थोड़ा पिंक होने दीजिए, ब्राउन भी नहीं, पिंक। ओके। तो इसको बस हम हिला रहे हैं थोड़ी देर तक। यानी ये वो डिश है जो आप बचपन से खाते आए हैं। ओके। तभी मेरी सेहत खराब हुआ है। ये हमारा प्याज पिंक हो गया है, मैं इसके अंदर कटा हुआ टमाटर डाल रहा हूँ। ओके, प्याज को ब्राउन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, पिंक ही रखना। मुझे लगता है ये चॉप करने का भी कोई खास रीजन होगा, नहीं तो नॉर्मली पिसा हुआ प्याज लोग लेते हैं। ये जस्ट टेक्सचर के लिए, थोड़ा थोड़ा प्याज का छोटे छोटे पीसेस मुंह में आते रहते हैं तो ये अच्छा लगता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया है। ये मुझे लगता है बहुत अच्छी डिश हो गई। अदरक लहसुन मसाले जो है वो नहीं है, कुछ नहीं, अदरक नहीं चाहिए इसमें, लहसुन नहीं चाहिए, गरम मसाला नहीं, कुछ नहीं। अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट। बिल्कुल। चलिए अब हमारा ये प्याज और टमाटर हो गया है, अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। इसके मसाले बहुत सिंपल है, ज्यादा तामझाम नहीं है। मिर्ची 1/2 स्पून, हल्दी वो भी 1/2 ही स्पून है छोटा, नमक स्वाद अनुसार, इसमें हरी मिर्ची नहीं होगी, नहीं इसमें हरी मिर्च नहीं है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। मुझे लगता है घर में जो नॉर्मली सारी चीजें मिली रहती है हमारी, तो अगर ये तो कुछ और नहीं बना, ये इंस्टेंट है। कभी भी कोई आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आई थिंक सो मेथी पनीर बहुत अच्छा, इसको आप चाहें तो क्रीम में बनाइए। और फिर मैंने इसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ढक दिया। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपको गाने का शौक है, और जो 5 मिनट मेरे पास रखा है, मैं चाहती हूँ कि आप एक गाना गुनगुनाएं। अब कौन सा है पनीर के लिए, कौन सा स्पेशल गाना हो सकता है? पनीर के लिए, बारिश के लिए, माँ के लिए, गरिमा के लिए, कौन सा माँ के लिए गाना मुझे अगर याद आता है, जब मैं छोटा था और मैं गाना सीखा था, मम्मी को एक गाना गाकर बहुत सुनाता था, वो था माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना हो रानी। तो ये गाना मेरा बहुत फेवरेट था, जगजीत सिंह जी का था। चलिए अब हमारा ये मसाले के साथ प्याज टमाटर हो गया है, तो अब आइए इसमें हम पनीर डालते हैं। पनीर घर का बना हुआ पनीर है, आप चाहें तो बाहर से ले सकते हैं, मगर घर का पनीर का स्वाद ही अलग होता है। ये भी मुझे लगता है करीबन 100-150 ग्राम पनीर होगा। बिल्कुल। और प्याज 1 और टमाटर भी 1। इसमें प्याज टमाटर सिर्फ स्वाद के लिए है जी। क्योंकि इसका मेन फ्लेवर जो है वो मेथी में है। और जरा पनीर को हिलाएं जरा ध्यान से, क्योंकि ये पनीर घर का बना है तो डेलिकेट होता है, टूट जाता है। सो बहुत धीरे धीरे इसको हिलाएं। ये डिश भी सूखी बनेगी या ग्रेवी वाली होगी? ये ग्रेवी वाली होगी, ज्यादा ग्रेवी फिर भी नहीं जी। ये मुझे लगता है वन ऑफ द रेयर डिशेस है जिसमें तड़का नहीं पड़ा है। एग्जैक्टली। अब इसको मैंने फिर थोड़ी देर के लिए ढक दिया है बिफोर आई स्टार्ट प्रोसेसिंग इट फर्दर। हल्का सा पनीर को एटलीस्ट 2-3 मिनट्स में पकने दे रहा हूँ। okay, तो ये मतलब रोटी के साथ भी खाया जा सकती है, चावल के साथ भी खाया जा सकता है। तो चलिए हमारा पनीर ठीक ठाक हो गया है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रहा हूँ।
एक कटोरी दूध है। ओके, क्रीम के बदले दूध। क्रीम भी आप डाल सकते हैं, जस्ट टू एनरिच इट। क्रीम डालते हैं उसके बदले आप दूध यूज करें। नहीं नहीं, दूध भी है और क्रीम भी होती है इसमें। ओके, साथ में। अब ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है, अब ये दूध में पनीर थोड़ा पकेगा। ओके, तो ग्रेवी पानी के बदले दूध। बिल्कुल। और दूध के साथ साथ ये कस्तूरी मेथी है जिसके मैंने तिनके हटा लिए हैं, अब इसको स्प्रिंकल में करूंगा इसके अंदर। ये कस्तूरी मेथी मैंने डाल दी है फ्लेवर अच्छा करने के लिए, ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा डाल दी। अगर आप चाहें तो 2 स्पून बड़े आप डाल सकते हैं। अब ये दूध के साथ कस्तूरी मेथी पकती जाएगी और उसका फ्लेवर पनीर तक चला जाएगा। और ये जो लाल टमाटर अलग से देख रहे हैं, जस्ट फॉर द टेक्सचर एंड रंग, अलग से, इसलिए मैंने उनको ग्राइंडर में ही ब्लेंड नहीं किया था। और इसको हमने फिर ढक दिया है थोड़ी देर। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, पनीर की जगह आप चिकन डाल दें। ओके, तो ये भी काम ही हो सकता है। मतलब एक ही डिश में, एक ही रेसिपी में आपको 2 डिशेस के बेनिफिट है यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए अब ये इसको हल्का सा और हिलाते हैं। पनीर तो हो रहा है, इसको हल्की आंच पे। स्वाद अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसको हम ज्यादा हिला नहीं सकते वरना ये टूट जाएगा पनीर। और ये तकरीबन तैयार ही लग रही है खुशबू से। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मेरे को लगता है मुझे वापस दिल्ली जाकर एक बार मम्मी के लिए बनाना ही पड़ेगा। और ये हमारा मेथी पनीर तैयार है। बस इसको और 2 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे पका रहा हूँ। एंड वी आर ऑल सेट टू सर्व। ओके सर, कॉल माय फ्रेंड्स ओवर। यस, कॉल देम। ये मैंने पनीर को और थोड़ी देर के लिए पका लिया है और हमारा पनीर सर्व करने के लिए तैयार है। और ये है मेथी पनीर। वाओ, सो मुझे लगता है इसमें सर्व करें। इसको कढ़ाई में करते हैं, थोड़ा ऑथेंटिक पंजाबी टच आ जाएगा। राइट, दिल्ली का। आई थिंक इतना काफी है उन लोगों के लिए, बाकी सब मैं अपने लिए रखती हूं। सब आपके लिए है। चलिए अब हम इसको गार्निश करते हैं। okay. इसको सिंपल गार्निश करते हैं। okay. सिर्फ धनिया से। परफेक्ट। एंड इट्स ऑल रेडी। चलिए इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये 2 मैंने कटे हुए टमाटर भी इसके ऊपर डाल दिए, जस्ट फॉर द कलर से। एंड इट्स ऑल योर्स अगेन। कूल। ये है अगेन आई थिंक माँ के, सुमेर की माँ का हाथ का पनीर, which is I think मेथी पनीर से ज्यादा जाना जाता है। सो मेथी पनीर ऑल फॉर यू।